जय कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे JVM, JRE एंड JDK। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद JVM, JRE एंड JDK। JVM में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है लास्ट लेक्चर में। जावा वर्चुअल मशीन जो फिजिकली एग्जिस्ट हमारे सिस्टम में नहीं करती, और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा ऊपर हाईलाइट हो रहा होगा लिंक, उसको क्लिक करके हम नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं और उसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। तो JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन जो फिजिकली हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करती है। JVM। तो उसके बाद बात करते हैं हम JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा रन टाइम एनवायरमेंट क्या होता है? सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड JVM, ये होता है JRE जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। विदाउट JRE हमारा जावा का प्रोग्राम सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा क्या करता है? जावा हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है लेकिन JRE उसे एग्जीक्यूट करता है। तो अब उसके बाद बात करते हैं JDK की। ये क्या है? JRE जिसमें लाइब्रेरी सेट एंड JVM और जो हमारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिबगर, जावा सी एंड जावा डॉक। वो किसके लिए यूज होते हैं? हमारी जावा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए। विदाउट इसके हम ना टेस्टिंग कर सकते हैं ना डिबगिंग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? JDK। और अब बात करते हैं JVM और JRE की। JVM और JRE क्या होता है? JVM क्या करता है? हमारी क्लास को लोड करता है और मेमोरी स्पेस और एग्जीक्यूशन, ये काम होता है JVM का। और उसके बाद JRE, JRE का काम क्या होता है? जो हमारे प्रोग्राम को लाइब्रेरी सेट की रिक्वायरमेंट होती है एट रन टाइम, वो कौन प्रोवाइड करता है? JRE, जो किसका कॉम्बिनेशन होता है? JVM प्लस लाइब्रेरी सेट का। जो हमारे रन टाइम पे हमें जो लाइब्रेरी सेट की जरूरत पड़ती है जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, वो प्रोवाइड करता है JRE। और जो JDK है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो क्या इसका कॉम्बिनेशन होता है? JRE प्लस डिबगर, जावा सी एंड जावा डॉक। डिबगर के बारे में, जावा डॉक और जावा सी के बारे में जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे, जावा के बारे में प्रोग्राम्स बनाएंगे तब आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा। अभी के लिए मैं इतना डिबगर के बारे में बता देता हूँ। डिबगर के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है 10 इंस्ट्रक्शन है, तो हम डिबगर के थ्रू इंस्ट्रक्शन बाई इंस्ट्रक्शन
हम प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं जब वाइल द एग्जीक्यूशन। और ये जेडीके किसके लिए यूज होता है? हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। जिसने जावा की एप्लीकेशन बिल्ड करनी है उसे इन तीनों की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इन तीनों के बिना काम नहीं चलेगा। जो JVM है वो वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता हमारे सिस्टम में, ना ही आपको दिखेगा, लेकिन JRE है वर्चुअल एग्जिस्ट करता है और JDK भी वर्चुअल एग्जिस्ट करता है। ये हमारे हमारी हार्ड डिस्क में या जहां भी हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे हमें JRE मिलेगा जो हमें रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया था जो JVM है ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और JRE भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और इवन JDK भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये तीनों हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है लेकिन जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बाइट कोड बना के उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जावा का प्रोग्राम हम दो फॉर्म्स में एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट कंपाइल देन इंटरप्रेट, जिसके लिए टू कमांड्स यूज होती हैं, जावा एंड जावा सी। इन टू कमांड्स के थ्रू हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बारे में जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और सिंपल प्रोग्राम भी हम जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जिनको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी किसी की इस टॉपिक्स को लेके क्वेरी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं इवन ये भी ट्राई करूंगा अगर किसी को थ्रू द मैसेज में ना समझा पाया तो इवन शॉर्ट वीडियो आपको सेंड करके इसी तरह ही उस पर्टिकुलर पर्सन को भी भेज दूंगा अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। और एक और न्यूज है, हर लेक्चर के बीच में, जब तक 20 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, हर लेक्चर के बीच में एक या दो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आपके नीचे स्लाइडिंग में एक क्वेश्चन आया करेगा, बेसिक क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा सा एडवांस भी हो सकता है या लास्ट लेक्चर्स में भी सेम हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस के जो भी ज्यादा से ज्यादा आंसर करेगा, अगर वो पर्सन सेम हुए तो जिनके आंसर्स करेक्ट हुए तो उन पर्सन को थ्रू द ऑनलाइन ई कॉमर्स एक गिफ्ट आएगा जो मेरी तरफ से आपको होगा कि आप लर्न कर रहे हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिलेगी और लोगों से आप भी शेयर जरूर करना। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा।